आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। अनकवरिंग द ट्रूथ दैट वॉज केप्ट हिडन, जी हां, द केरल स्टोरी के कवर पेज पर ये लाइन लिखी है और ये मूवी अब सिनेमा घरों में रिलीज भी हो चुकी है, जिसको लेकर विवाद इतना बढ़ गया था कि सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक याचिकाएं दाखिल की गई। दरअसल केरल से 32,000 लड़कियों के लापता होने का दावा करने वाली इस फिल्म ने राजनीति और समाज को अब दो धड़ों में बांट दिया है। एक धड़ फिल्म को प्रोपेगेंडा कहकर खारिज कर रहा है तो दूसरा धड़ इसे केरल की वो जमीनी सच्चाई बता रहा है जिस पर अभी तक खुलकर बात नहीं हुई है, जिस पर नेताओं ने क्या कुछ कहा है। इससे पहले हमारे लोगों की क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई है ये भी देखिए। लगातार विवादों के बीच केरला मूवी आखिरकार सिनेमा घरों तक पहुंच गई। पहले तो विवादों के चलते केरला मूवी का ट्रेलर में भी बदलाव करना पड़ा था। यह यूं कहा जाए कि सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्मों को बनाने के दौरान फिल्म निर्माता की जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं। कहते हैं जब किसी सच्ची घटनाओं पर फिल्म आधारित की जाती है तो फिल्म निर्माता की भी जिम्मेदारियां बढ़ने लगती हैं। फिलहाल केरला मूवी 3 युवा लड़कियों के ऊपर आधारित की गई है। ये तीनों युवा लड़कियां हिंदू के साथ साथ धर्मांतरण से जुड़ी हुई घटना दर्शाती है, लेकिन इस फिल्म को लेकर विवाद भी शुरू हो गया है और इसमें सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष, दोनों के बीच वॉर शुरू हो गए हैं। इस फिल्म के सिनेमा घरों में पहुंचने के बाद भी लोगों ने इसको देखना भी शुरू कर दिया है, क्योंकि जब कोई भी मूवी विवादों से घिरी होती है तो दर्शक भी उसको देखना पसंद करते हैं कि आखिरकार उस मूवी में ऐसा क्या है। लेकिन इस मूवी में जो दर्शाया गया है धर्मांतरण का मामला, इसमें भी एक बड़ा दावा किया गया है, लेकिन जिस तरीके से यह विवादों के बीच में मूवी रिलीज हुई है इसको लेकर के भी अब सवाल खड़े होना शुरू हो गए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ मोहम्मद कलीम, प्राइम टीवी, लखनऊ। ये केरला स्टोरी की इन दिनों काफी चर्चा है। कहते हैं केरला स्टोरी सिर्फ एक राज्य में हुई आतंकवादियों की छद्म नीतियों की साजिशों पर आधारित है। देश का इतना खूबसूरत राज्य, जहां के लोग इतने परिश्रमी और प्रतिभाशाली होते हैं, उस केरला के में चल रही आतंकी साजिश का खुलासा ये केरला स्टोरी फिल्म में, केरला फाइल्स फिल्म में उसे किया गया है। और देश का दुर्भाग्य देखिए कि कांग्रेस आज समाज को तहस नहस करने वाली इस आतंकी प्रवृत्ति के साथ खड़ी हुई नजर आ रही है। इतना ही नहीं, ऐसी आतंकी प्रवृत्ति वालों से कांग्रेस पिछले दरवाजे से राजनीतिक सौदेबाजी तक कर रही है। कर्नाटका के लोगों को इसलिए कांग्रेस से बहुत ही सावधान रहने की जरूरत है। द केरला स्टोरी, लव जिहाद, धर्मांतरण और आतंकवाद के षड्यंत्र को उजागर करती है, उसके घिनौने चेहरे को सामने लाती है। क्षणिक भावुकता में जो बेटियां लव जिहाद के जाल में उलझ जाती है, उनकी कैसे बर्बादी होती है ये फिल्म बताती है। आतंकवाद के डिजाइन को भी ये फिल्म उजागर करती है। ये फिल्म हमें जागरूक करती है। मध्य प्रदेश में पहले ही हमने धर्मांतरण के खिलाफ कानून बनाया है, लेकिन ये फिल्म जागरूक करती है। इस फिल्म को सबको देखना चाहिए, पालकों को भी देखना चाहिए, बच्चों को भी देखना चाहिए, बेटियों को भी देखना चाहिए
और इसलिए मध्य प्रदेश शासन इस फिल्म को टैक्स फ्री कर रहा है। तो द केरला स्टोरी पर लगातार विवाद जारी है। दरअसल इस मूवी में जो आंकड़ों का इस्तेमाल किया गया है, यानी कि 32,000 आंकड़े, उस पर विवाद गहराया था। लेकिन भारी विवादों के बीच आखिरकार 5 मई यानी बीते दिनों सिनेमाघरों में ये फिल्म रिलीज हुई है, जिसको देखने लगातार लोग पहुंच रहे हैं। और जब जब लोग देखकर बाहर आ रहे हैं तो उनकी भी अलग अलग प्रतिक्रिया सामने आ रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि इस मूवी को बैन कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि इसमें हिजाब धर्म परिवर्तन के जरिए जो धर्म की राजनीति करने की कोशिश की जा रही है, तो वही दूसरे जो धड़ है उसका साफ तौर पर यह कह रहा है कि इस मूवी के जरिए एक समाज की सच्चाई को दिखाने का प्रयास किया गया है जो आज तक दबी हुई थी। तो वही इस फिल्म के आंकड़े को लेकर भी विवाद गहराया था। दरअसल साल 2021 के दौरान एक इंटरव्यू में सुदीप्ता सेन ने केरल के पूर्व मंत्री उमान चंडी से हुई बातचीत के आधार पर बताया था कि राज्य में 32,000 हिंदू और ईसाई लड़कियों का जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया है। यानी उमान चांडी ने बताया था कि केरल में हर साल 2800 से लेकर तकरीबन 3200 लड़कियां इस्लाम धर्म अपना रही, और पिछले 10 सालों में यह आंकड़ा तकरीबन 32,000 के पार पहुंच गया है। तो इस आंकड़े पर ही सुदीप्तो सेन ने इस मूवी का निर्माण किया है, जिस पर केरल की जो युवतियां हैं जो धर्म परिवर्तन कर रही हैं, जिनका ब्रेन वॉश करके धर्म परिवर्तन कराया गया है, उसके आंकड़ों को दिखाने के साथ ही पूरी सच्चाई को बयां करने का प्रयास किया गया है। तो वहीं इस मूवी को लेकर भी विवाद लगातार गहराता जा रहा है। हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में याचिकाएं दायर की गई, लेकिन 10 सीन्स को काटने के बाद आखिरकार ए सर्टिफिकेट के साथ इस मूवी को सिनेमाघरों में रिलीज कर दिया गया है। यानी कि 18 साल से ऊपर के ही लोग इस मूवी को देख सकते हैं। तो लगातार इस फिल्म को लेकर गहराता विवाद जा रहा है। वही क्या केरल में धर्मांतरण का पूरा रैकेट चल रहा है। दरअसल द केरल स्टोरी फिल्म सामने आने के बाद अब ये सवाल पूरा देश पूछ रहा है, और पूछना लाजमी भी है कि अगर वाकई में इन आंकड़ों में सच्चाई है तो वहां की सरकार आखिर क्या कर रही थी, वहां की पुलिस क्या कर रही थी जो महिलाओं का इस बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन किया गया है। इस फिल्म में केरल की 32,000 महिलाओं का धर्मांतरण कराने और आतंकी संगठन ISIS में शामिल कराने की कहानी दिखाई गई है। फिल्म रिलीज होने से पहले ही इसको लेकर विवाद शुरू हो गया था, और दावा किया गया था कि जबरन मुसलमान बनाकर महिलाओं को सीरिया भेजा गया। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। इस पर सियासत भी लगातार खूब हो रही है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर और केरल के मुस्लिम युवा लीग ने कहा कि 32,000 लड़कियों का धर्म बदलवा कर उन्हें सीरिया भेजा गया है, साबित कर दीजिए तो 1 करोड़ रुपए का इनाम भी दिया जाएगा। तो उन्होंने कहा है कि अगर इस आंकड़ों को वाकई में कोई साबित कर देगा तो वो उसे 1 करोड़ रुपए का इनाम देंगे। तो ऐसे में लोगों के मन में काफी भ्रम भी पैदा हो गया है, जो कि लाजमी है। ये जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर केरल की असली स्टोरी क्या है, जिसके लिए अब दर्शक तमाम जो है वो लगातार सिनेमाघरों की तरफ कूच कर रहे हैं, क्योंकि हम सभी को याद होगा जब द कश्मीर फाइल्स आई थी उसको लेकर भी कितना विवाद हुआ था। जो तमाम विपक्षी नेता है वो उस मूवी को भी प्रोपेगेंडा बता रहे थे, कह रहे थे कि धर्म की राजनीति इस मूवी के जरिए की जा रही है। तो वहीं जब द केरला स्टोरी आई है तो उसको लेकर भी लगातार विवाद जारी है, क्योंकि एक बार फिर से ये मांग उठी है कि इस मूवी को बैन किया जाए। इस मूवी में एक धर्म को बिगाड़ने की कोशिश की गई है, समाज का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई है। यही वजह है कि इस मूवी को बैन करने की भी एक बार फिर से मांग उठी है। तो इस फिल्म पर विवाद कितना सही है, या फिर कितना हकीकत, या फिर इससे मुंह मोड़ने की कोशिश की जा रही है, इसी पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ सपा से रविंद्र सिंह जुड़े हैं, भाजपा से केसी जैन जुड़े हैं, और वही आमिर साबरी वरिष्ठ पत्रकार, तो वही कांग्रेस से प्रवक्ता सचिन रावत हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले तो मैं आप सभी का प्राइम टीवी पर बहुत स्वागत करती हूँ। सचिन जी, मेरा सीधा सवाल आपसे है कि आखिर इस मूवी को लेकर इतना विवाद क्यों? देखिए मुस्कान जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की जो धर्म की पॉलिटिक्स है ये पूरा देश देख रहा है। जिस तरह से आपने देखा होगा कि साउथ में भारतीय जनता पार्टी का कहीं दाल नहीं गल रही है, कोई सांसद इनका जीत के नहीं आ रहा है, और भारतीय जनता पार्टी वहां से पूर्णता खत्म होती नजर आ रही है। तो इस तरह की मूवी बना करके समाज में द्वेष पैदा करके भारतीय जनता पार्टी अपनी वोट की राजनीति करना चाहती है। जिस तरह से द कश्मीर फाइल लेकर के विवेक अग्निहोत्री जो उसके डायरेक्टर थे वो लेकर के आए, उसमें किसका पैसा लगा था वो सबको पता हो गया।
तो मैं कहना चाहता हूं कि इस तरह की मूवी ला करके समाज में क्या दिखाना चाहते हैं, ये भी तो कम से कम डायरेक्टर को बताना चाहिए। क्योंकि मैं कह सकता हूं कि केरल के हाईकोर्ट ने डायरेक्टर को फटकार लगाई, उसके बाद में 10 सीन के आसपास फिल्म से काटे गए। क्योंकि ये मामला जो मुझे जहां तक संज्ञान में आया है उसमें 3 लड़कियों का मामला था, लेकिन इसमें 32,000 लड़कियों को दिखा दिया गया। तो ये क्या दिखाना चाह रहे हैं कि एक विशेष जात के लोग ही क्या इस चीजें करते हैं? लेकिन मैं एक चीज और कह सकता हूं मुस्कान जी, क्योंकि निश्चित तौर पे प्रोपेगेंडा की पॉलिटिक्स लगातार भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की जाती है और समाज को बांटने का काम भी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जाता है। तो इस तरह की मूवी लाकर के समाज को आपस में लड़ाने की साजिश भारतीय जनता पार्टी की होती है। और एक संवैधानिक पद होता है प्रधानमंत्री का, और प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी उस पद पे बैठ करके एक पिक्चर के सहारे वोट की फसल को काटना चाहते हैं और लगाना चाहते हैं कांग्रेस पे आरोप। ये बताइए केरल में किसकी सरकार है, ये भी मोदी जी को बताना चाहिए था, लेकिन वो नहीं बता पाएंगे क्योंकि उनको कर्नाटका की हार का डर लग रहा है। तो इस पिक्चर का सीक्रेट और पिक्चर की क्रेडिट लेने के लिए वो इस पिक्चर का नाम ले रहे हैं। तो इस मानसिकता पर मुझे हंसी आती है मुस्कान जी। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सचिन रावत जी, आप सीधा मैं रविंद्र प्रताप जी के पास आऊंगी। रविंद्र जी, अभी आपने सुना कि कहा गया कि आंकड़ों में सच्चाई नहीं है, ये महज 3 से 4 मुस्लिम लड़कियों की या हिंदू लड़कियों की कहानी है, ऐसा कहा गया। तो क्या वाकई में आंकड़े यहाँ पे जरूरी हो जाते हैं? क्या उन महिलाओं का दर्द जरूरी नहीं है? पिक्चर तो पिक्चर होती है, तो पिक्चर के आंकड़ों पे बहस करना अपना समय खराब करना है। बिल्कुल, जो सबसे महत्वपूर्ण बात बताऊं मैं, इस पिक्चर के डायरेक्टर ने जो इशू उठाया है वह कहीं ना कहीं संघ के एजेंडा से प्रेरित है। आंकड़े समझ लीजिए, 3 राज्य है नॉर्थ ईस्ट में, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ये 95% ईसाई हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी यहां सहयोगी के रूप में है, शासन कर रही है, इससे संबंधित कोई पिक्चर नहीं बनती है। अब दूसरे आंकड़े आपको केरला के बता रहे हैं, 110 साल में वहां की पॉपुलेशन ग्रोथ का, हिंदुओं का -13% होता है, इस्लाम 9% बढ़ता है, क्रिश्चियन 4% बढ़ते हैं, 110 साल में पॉपुलेशन ग्रोथ है। तो इस पिक्चर के झूठ को, इस पिक्चर के झूठ को उजागर कर देती है कि जो प्रोपोगंडा लेके चल रही है वो फ्लूटेड पूरी तरीके से प्रोपोगंडा है। अब ये दोनों आंकड़े महिलाओं की कहानी है या आपको प्रोपेगेंडा लग रही है पूरी तरीके से, है ना? वो सीरिया में जो झेल रही है वो आपको प्रोपेगेंडा लग रहा है पूरा? आपने सुना मेरी बात को क्या? आप मेरे मन का निर्णय आप लेंगे? मैं, मेरा सवाल ये कि ये वाकई में आपको प्रोपेगेंडा लगता है रविंद्र जी? आप सवाल करिए तो मैं जवाब दूंगा, मेरे मन का निर्णय आपको लेने का अधिकार नहीं है। वही मेरा सवाल है रविंद्र जी आपसे कि क्या वाकई में आपको प्रोपेगेंडा लग रहा है कि सीरिया में महिलाओं के साथ इतना सब कुछ हुआ, भारत से महिलाएं सीरिया पहुंची, वहां वो आतंकवादी बन जाती हैं, वहां जेल तक पहुंच जाती है, क्या ये वाकई आपको प्रोपेगेंडा लग रहा है? कितनी महिलाएं पहुंची आईएसआई में बनने के लिए, है आपके पास रिकॉर्ड? फिर ये जो केंद्र में आयोग की सरकार बैठी है पिछले 8 साल में, ये क्या कर रही है? NIA को क्यों नहीं लगाई कि जो महिलाएं गई आतंकवादी बनने के लिए उनके परिवार को निकाल के लेके आवे, उन महिलाओं को निकाल के लेके आवे? बिल्कुल, ऐसा प्रोपेगेंडा आप लोग भी फैलाएंगे क्या पिक्चर के ऊपर में? पिक्चर इसलिए बनाई गई है, प्रोपेगेंडा नहीं है। जो आंकड़े हैं ना सर, मैं आंकड़ों के आधार पर ही आपसे सवाल पूछ रही हूं, मेरा सवाल आंकड़ों के आधार पर। ठीक है, मैं वापस आपके पास आऊंगी। केसी जैन जी, क्या वाकई में इन सभी मुद्दों के लिए फिल्मों की जरूरत होती है? तो तमाम सारी फिल्मों केसी जैन जी से हमारा संपर्क स्थापित नहीं हो पा रहा, उनसे दोबारा संपर्क करने का प्रयास करेंगे, लेकिन सीधे चलते हैं आमिर साबरी जी के पास। आमिर साबरी जी, जिस तरीके से ये मूवी रिलीज हुई है और लगातार विवाद गहराता जा रहा है, तो क्या वाकई में इन सभी विवादों पर बात करने के लिए एक फिल्म का बनना जरूरी है? हेलो, मुस्कान जी, आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? आ रही है, आ रही है सर, बताइए। जी जी, देखिए हम ये कह रहे थे कि तमाम सारी फिल्मों पे विवाद होता है। जोधा अकबर फिल्म आई उस पर विवाद हुआ, ओ माय गॉड फिल्म आई उस पर विवाद हुआ,
और तमाम सारे स्टेटों ने बॉयकॉट फिल्म को टैक्स फ्री किया। उत्तर प्रदेश में उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी और उस पर तमाम सारे ऐसे सीन थे जो कहीं ना कहीं जो हिंदू समाज है उसको करते थे, उसको कष्ट पाई थे और उनकी भावनाओं को कहीं ना कहीं कष्ट पहुंचाने वाले थे, लेकिन न्यायालय ने उस पर बैन नहीं लगाया और पिक्चर और स्टेटमेंट भी आए इस ठीक है मैं वापस आपसे संपर्क करने का प्रयास करूंगी, लेकिन मेरा सीधा 30 सेकंड मुस्कान जी, जी जी मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से ISI संगठन यहाँ पर आकर के काम करता रहा लंबे समय तक और अभी भी उसके कहीं ना कहीं जो इंटेलिजेंस की रिपोर्टें आती है, तमाम सारे ISI के एजेंट कई बार पकड़े जाते हैं, जेल भेजे जाते हैं, उनके कार्रवाई भी होती है। तो कहीं ना कहीं भारत देश को कमजोर करने के लिए जिस प्रकार से इन एजेंटों ने काम किया, मुस्कान जी मेरा केसी जैसे एक सवाल धार्मिक रूप से जो आंदोलन वहां पर केरला में चलाया और जो 32,000 लड़कियों की बात आ रही, देखिये अगर कोई लड़की यहाँ से मिसिंग है, मिसिंग होने के बाद में कहाँ गई है उसका कहीं अता पता नहीं चल रहा है और उसके साथ की हजारों लड़कियों का डाटा इस तरीके से आता है कि इंटेलिजेंस की वहां की रिपोर्टें आती है कि ये ISI संगठन से जुड़ गई है, तो माना जाता है कि बाकी लड़कियां भी इसमें जो मिसिंग है वो जुड़ी हुई होगी, लेकिन हजारों लड़कियों का डाटा इस तरीके का है जो कि ISI से जुड़ी। और जो बात अभी आपने कहा सीरिया में जाकर उनका धर्मांतरण होता है और उनसे तमाम सारी आतंकवादी गतिविधियों को भेजा जाता है, तमाम सारी लड़कियों को जो गल्फ कंट्रीज है वहां पर जो बड़े बड़े जो पैसे वाले लोग हैं उनकी सेवा के लिए भेज दिया जाता है, तो जो ये प्रताड़ना झेली इन लड़कियों ने और वहां से जो लड़कियां बच करके आए किसी तरीके से वहां से बच के आए कि संपर्क ये सब चीजें सामने आई, जैसा डाटा के कुछ नहीं है। मेरा सवाल बस इतना सा है, दोनों ने सरकार आपकी इंटेलिजेंस आपका ईडी आपकी CBI आपका सारा तंत्र आपकी इजाजत उनको है और आप सुप्रीम कोर्ट से सवाल लगी उठा रहे देखने के लिए स्वतंत्र दूसरी सरकारों पे, आपके पास सब कुछ है भैया, जांच कराइए कि यहाँ बैठ करके मोदी जी तरीके वोट की राजनीति कर रहे हैं, आप एक दूसरे को लड़ाने की साजिश रच रहे हैं। अगर आपके पास इतने पुख्ता सबूत है तो उनको कटघरे में खड़ा करके जो लोग दोषी उनको सजा दीजिए, क्यों नहीं देना चाह रहे सजा ऐसे लोगों को, चिन्हित करिए, सरकार आपकी है ना, लेकिन आप लोग ये कर नहीं सकते क्योंकि आपकी सोच जो है वो देश को पोलराइजेशन करने का नतीजा करने वाली है। तो मैं कह सकता हूं कि आज ये पिक्चर के माध्यम से आज जो समाज में अगर इस तरह की चीजें होंगी तो इसका जीता जाता उदाहरण भारतीय जनता पार्टी का चेहरा रहेगा। मैं तो कह रहा हूं कि अगर 3 बच्चियों के साथ वो घटना हुई है, जो लोग दोषी हो तो उनको सजा मिलनी चाहिए थी, लेकिन वो लॉ एंड ऑर्डर का वहां का फेल्यूर था जो उससे पहले जिसकी सरकारें थी। लेकिन आज अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रेरित होकर अगर कोई पिक्चर बनाई जाती है, सरकार के पास पुख्ता सबूत होते हैं तो सरकार को अपने इंटेलिजेंस से उसकी जांच जरूर करानी चाहिए और जो लोग लिप्त हैं तो उनको दंडित करने का काम सरकार के द्वारा किया जाना चाहिए। ठीक है मैं वापस आप दोनों के पास आऊंगी, आमिर साबरी साहब भी लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। ठीक है केसी जैन जी, मैं वापस आऊंगी। ठीक है आमिर साबरी, जो सीधा मेरा सवाल आपसे ये है कि इस मूवी को लेकर आप इस मूवी को कैसे देखते हैं? आने के लिए तो कुछ अब बचा नहीं है, तमाम मंचों से हमारे प्रधानमंत्री जी बिल्कुल इस तरीके का झूठ बोलते हैं कि आवाम बिल्कुल अब इनको समझने लगी है। अभी केरला में चूंकि ये तड़प रहे हैं, इनकी सरकार नहीं बन पा रही है, इसलिए वहां पर से प्रोगंडे बना रहे हैं। अभी इन्होंने कश्मीर फाइल्स बनाई थी, उस पर भी उससे भी इन्होंने सांप्रदायिकता फैलाने की बहुत कोशिश करी, उसके बाद आदि पुरुष बनाई इन्होंने। तो अब चक्कर क्या है मैम कि ये धरातल पर तो कुछ जनता को दे नहीं पाए, इनके पास जनता का जवाब नहीं है सवालों के। इस तरीके की फिल्मों के माध्यम से ये सांप्रदायिकता फैला करके वोटों का ध्रुवीकरण करना चाहते हैं। आप देखिए योगी जी अमित शाह जैसे गृह मंत्री हमारे देश के कर्नाटक में जाके कह रहे हैं कि अतीक कहाँ चला गया, अब अतीक और अशरफ के नाम पर वो ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि कर्नाटक में सरकार किसकी थी, इन्हीं की थी। अभी देखिए मणिपुर में इनकी सरकार है, भयानक दंगे हो रहे हैं वहां पर, दंगे ये रोक नहीं पा रहे हैं। अभी 3 दिन पहले खबर आई थी कि कोई संगीत पकड़ा गया है जो जासूसी कर रहा था हिंदुस्तान में,
आप तमाम चैनल हमने देख डाले, कहीं कोई डिबेट नहीं इसके ऊपर हमने की, कहीं किसी का बयान नहीं दिखा इसके ऊपर। तो मैम बड़ा सवाल ये भी, इनके पास कुछ नहीं है बताने के लिए, इनके पास सिर्फ एक ही मुद्दा बचा है हिंदू मुस्लिम, और यही वजह ये पिछले आप देख लिए 30 साल से इनकी राजनीति हिंदू मुस्लिम पर है, तभी ये प्रचंड बहुमत में आए हैं, और अभी भी इनका दिल इससे भर नहीं रहा हिंदू मुस्लिम से। भाई 10 साल हो गए सेंटर में सरकार को, सर अगले साल चुनाव होना है वहां पर, लेकिन हालात ये है कि ये इन्होंने ना तो शिक्षा पे बात करी, ना स्वास्थ्य पे बात करी, ना रोजगार पे बात करी, 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौकरी देने की बात करी, 9 साल सरकार बनी हो गई, बताइए 2 करोड़ तो प्रतिवर्ष तो छोड़ दीजिए, 2 लाख प्रतिवर्ष दियो तो 18 लाख नौकरी होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुआ, इसीलिए हिंदू मुस्लिम कर रहा है। अब जनता चुके इनके पूरा चाल चरित चेहरा पूरा सब तरीके देख चुकी है, अब इनका माध्यम बचा नहीं है, प्रिंट मीडिया के ऊपर इन्होंने इतने विज्ञापनों पर रोक लगा दी है, विज्ञापन दे रहे हैं प्रिंट मीडिया पे, अब इनका डिजिटल रह गया है, अब डिजिटल के माध्यम से फिल्मों के माध्यम से ये सामुदायिकता फैलाकर वोटों का ध्रुवीकरण करना चाहते हैं। आप इनकी पिछले 9 साल से इनकी क्रोनोलॉजी देखिए, इनकी क्रोनोलॉजी ही यही है कि एक वोट एक बड़ी कौम को गुमराह करके छोटी कौम को डरा, छोटी कौम से डरा करके ये ध्रुवीकरण करना चाहते हैं। कि हम पूछना चाह रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से कि कर्नाटक में मौजूदा सरकार किसकी है, आप मोदी जी वहां कह रहे हैं, अमित शाह जी कह रहे हैं बड़ा बयान देते रहे हम कैसे हो जाएंगे, योगी जी कह रहे हैं आप इस बयान से गर्मी ठंडी हो गई, सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिया आप पर, आप देखिए ठीक है बीच मामले में तमाम लोगों की सभी एक एक करके अपनी बातों को रखिए, तभी हमारे दर्शकों तक हमारी आवाजें पहुंचेगी, एक एक करके अपनी बातों को रखिए। ठीक है ठीक है रविंद्र प्रताप जी, मेरा सवाल अब सीधा आपसे है, अभी आपने बोला कि एक फिल्म, ठीक है मैं वापस आऊंगी आपके पास में, कैसी जाए जी, ठीक है मैं वापस आऊंगी, ठीक है सामने आ रही है तो किस बात का दर्द है। ठीक है रविंद्र प्रताप जी, अभी आपने बोला कि इस फिल्म को एक प्रोपेगेंडा के तहत पेश किया गया है, और आप अक्सर अपने आंकड़े में पेश करते हैं, तो द कश्मीर फाइल्स देखी होगी आपने, ठीक है रविंद्र जी, द कश्मीर फाइल्स देखी होगी आपने, आपसे अनुरोध है कि इनको रुकवाइए जरा, ये जो ठीक है केसी जैन जी, मैं वापस आपके पास आऊंगी, ठीक है ठीक है ठीक है। समाजवादी पार्टी क्या कर रही है, समाजवादी पार्टी कह रही है, ठीक है ठीक है केसी जैन जी की आवाज थोड़ा धीरे कर दीजिए, मैं अपनी टीम से अनुरोध करूंगी, ठीक है केसी, ठीक है रविंद्र जी, अभी आपने बोला कि ये एक फिल्म प्रोपेगेंडा के तहत बनाई गई है, ठीक है, और आपने बोला कि जब द कश्मीर फाइल्स आई थी तो वो भी प्रोपेगेंडा थी, तो क्या वाकई में उस टाइम जो कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ उसे आप प्रोपेगेंडा मान रहे हैं फिर भी? आप दो विषय समझिए, मैं कश्मीर मैं पिक्चर नहीं देखता हूँ, पिक्चर देखे हो मुझे कम से कम 25 साल हो गए, तो मैंने कश्मीर फाइल देखी नहीं, मैं कश्मीर फाइल के बारे में जानकारी नहीं रखता हूँ। आपको इसके बारे में जानकारी है? आज हम जिस चर्चा पे बैठे हैं, क्या आपने उसका ट्रेलर देखा है? फिर मैंने ट्रेलर देखा था, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ उसके बारे में समझिए पहले, जा 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 द केरल, क्या नाम है पिक्चर का नाम भी मुझे नहीं पता, द केरल स्टोरी, द केरल स्टोरी, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड का रिपोर्ट। केसी जैन जी बोलने दीजिए, मेरा सवाल, केसी जैन जी मैं वापस आपके पास आऊंगी। अरे केसी जैन की ट्रेन बहुत तेज चल रही है, माइक नहीं म्यूट कर सकती है, ये इसका आदत यही है इस व्यक्ति का, आप अपनी बात बोलिए। ठीक है रविंद्र जी, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड ने कहा हुआ है कि भारत से 4.6 करोड़ लड़कियां लापता हैं, या उत्तर या केंद्र सरकार का दायित्व तो नहीं है ना, ये छोटी एजेंसी ने नहीं बोला है। दूसरा विषय है जिसका आईएसआईएस की बात कर रही है, इसको नेस्तानबूंद अमेरिका कर चुका है, सीरिया में घुस के इसके दोनों प्रमुख मारे जा चुके हैं, इसके झंडे लेके जैसे आरएसएस का झंडा लेके लोग घूमते हैं, ऐसे कुछ मुस्लिम भटके हुए युवा घूमते हैं, तो आईएसआईएस का तो एग्जिस्टेंस ही नहीं है। अब आती है बात कि अगर हमारी 22,000 लड़कियां चली गई वहां पे लव जिहाद या कुछ भी करके, तो 8 साल से ये सरकार है, क्यों नहीं उन लड़कियों का पता कर रही है? हमारे पास राह है, हमारे पास मिलिट्री इंटेलिजेंस है, क्यों नहीं पता किया जा रहा है उन लोगों का? इंटरपोल का मदद क्यों नहीं ली जा रही है इसमें? और प्रोपोगंडा कैसे है? अगर ये प्रोपोगंडा नहीं होती, आपने सुना अपने पूरे जीवन काल में एक प्रधानमंत्री और एक मुख्यमंत्री का प्रचार कर रहा है। अभी आपने कहा कि एनआईए है हमारे पास, केंद्र सरकार है हमारे पास, ठीक है केंद्र भाजपा की सरकार है, सचिन जी ठीक है मैं सब कुछ मान रही हूँ, मेरा सवाल सचिन जी से सीधा है हमारे पास, ठीक है आमिर साबरी जी एक एक करके अपनी बातों को रखिए, कोई जिम्मेदारी नहीं है,
आप लोग एक ही करके अपनी बातों को रखिए तभी हम सबकी बात। केसी जैन जी धर्म की राजनीति नहीं कर रहे हैं। केसी जैन जी एक एक करके अपनी बातों को रखिए वरना मुझे आपकी आवाज बंद करानी पड़ेगी। ठीक है, मैं अपनी टीम से बोलूंगी केसी जैन जी की आवाज जरा बंद कर दीजिए। ठीक है बिल्कुल। सचिन रावत जी, ठीक है सचिन रावत जी, सीधा सवाल मेरा आपसे ये है कि अभी तक आप लोग कह रहे थे कि एनआईए हमारे पास, केंद्र में भाजपा की सरकार है, भाजपा की सरकार पे के पास पूरा हक है कि वो एक्शन ले सकती थी, लेकिन अब जब सच्चाई सामने आई है तो फिर इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? नहीं, हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। मैंने तो कहा आपके चैनल पे कि अगर तीन लड़कियों की जहां तक बात थी, अगर कि कुछ ऐसा मामला था तो वहां पे जो मौजूदा सरकार थी उसको उस समय एक्शन लेना चाहिए था, लेकिन उसके बाद में जो डायरेक्टर साहब हैं उन्होंने अगर ये पिक्चर बनाई है और उसमें किसका पैसा लगा है, ये अभी धीरे धीरे आने वाले समय में सच्चाई सामने आ जाएगी। मैं तो कहता हूं कि प्रधानमंत्री जी कर्नाटक में जाकर के इस पिक्चर का नाम तो ले लेते हैं, जो हमारी बहनें बैठी हैं जंतर मंतर पे, जो लगातार प्रदर्शन कर रही हैं ब्रजभूषण शरण के खिलाफ कि उसकी गिरफ्तारी हो, उन पर प्रधानमंत्री जी ने एक व्यक्ति तो नहीं बोलते हैं। तो मैं कहना चाहता हूं जो सामने हमारी बहन बेटियां बैठी हैं उनके लिए प्रधानमंत्री कुछ कहते नहीं है, और केरला स्टोरी के बारे में प्रधानमंत्री जी अपनी रैली के माध्यम से संबोधित करते हैं क्योंकि उनको उस वहां से वोट मिलने का काम हो रहा है, तो इस वजह से ये सब चीजें प्रायोजित कर रही हैं। लेकिन मैं एक और चीज कह सकता हूं मुस्कान जी, देखिए द कश्मीर फाइल बना करके उन्होंने कहा कि कश्मीरी पंडितों पर बड़ा अत्याचार हुआ, ये हुआ वो हुआ। आज की डेट में आपने देखा होगा 6 महीने का आंकड़ा निकाल लीजिए कि आज भी लगातार कश्मीरी पंडितों की हत्या हो रही है, उनके साथ जाति हो रही है लगातार। वहां पर सेंट्रल में सरकार है और राज्यपाल इन्हीं का है, उन पर अब तक क्यों कार्रवाई नहीं हो पाई? तो मैं कहना चाहता हूं कि ये दो तरह की राजनीति भारतीय जनता पार्टी पहले करती आई थी अब कर रही है, लेकिन जनता जिक्र किया कि अभी भी कश्मीरी पंडितों के साथ अन्याय हो रहा है। फिर आपने ये भी आंकड़े देखे होंगे कि हमारे ही देश की सुरक्षा के लिए और उन्हीं कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा के लिए हमारे सैनिकों की भी जान जा रही होगी, ये भी देखा होगा आपने। बिल्कुल 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 बिल्कुल। देखिए अगर हमारे जवान शहीद होते हैं तो मैं तो एक और चीज बताना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, वहां पे सतपाल मलिक राज्यपाल थे जब पुलवामा की घटना हुई। सतपाल मलिक जी ने जब इसका स्पष्टीकरण किया, उन्होंने हर चैनलों पर मेरी बात रखी, उसके बाद देखा होगा कि आपने सीबीआई की रेड डलवा दी उन पर, सीबीआई के लोग उनसे पूछताछ करने चले गए क्योंकि उन्होंने सच्चाई बोल दी। तो इससे प्रधानमंत्री का चेहरा उजागर हो जाता है कि जो प्रधानमंत्री के सामने सच बोल दे तो प्रधानमंत्री उसके घर ईडी भेज देंगे, सीबीआई भेज देंगे, उसको डिटेन करके जेल में डलवा देंगे। लेकिन कब तक हमारे देश में आज भी संविधान है, लोकतंत्र है। मैं कहना चाहता हूं कि अब जब देश को दो भागों में नहीं बांटा जा रहा है, तो दो भागों में नहीं डिवाइड कर पा रहे हैं, इस तरह के प्रायोजित घटनाएं पिक्चर लेकर के आते हैं। हमारी जब सरकार थी कांग्रेस पार्टी रामायण जैसा धारावाहिक लेके आई जो समाज को जोड़ने का काम करती है, रामचरितमानस ने किया था, लेकिन आज की डेट में कौन सी पिक्चरें बनाई जा रही हैं? ऐसी पिक्चरें बनाई जा रही, आने वाले समय में कौन सी पिक्चर होती है बनाएंगे? अच्छे दिन आने वाले हैं, अब वो पता नहीं कब आए। अब सचिन जी क्या समाज को सच्चाई दिखाना कश्मीर की, क्या ये मूवी गलत हो गई? सचिन जी जवाब दीजिए आप, कि समाज को सच्चाई दिखाना यानी कि फिल्में ही गलत हो गई? अगर सच सामने आया तो वो फिल्में भी गलत हो गई? मुस्कान जी समाज को ध्रुवीकरण करने वाली पिक्चरें नहीं बननी चाहिए, समाज को संदेश देने वाली पिक्चरें बननी चाहिए जिससे कि समाज आने वाले समय में एक संदेश लेकर के आगे जाए। लेकिन आज आपने देखा होगा इनके सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर है, लगातार नेटफ्लिक्स अमेजोन ऐसी तमाम जो नेटफ्लिक्स वगैरह है उसके ऐसी चीजें परोसी जाती है कि हमारा आने वाला यूथ बर्बाद होता जा रहा है। उसपे लगाम लगाइए ना अनुराग ठाकुर जी, इनके सूचना प्रसारण मंत्री है, लेकिन उसपे ये लोग नहीं कुछ कह सकते हैं। केसी जैन जी ये कहा जा रहा है कि इस फिल्म को चुनाव से पहले, केसी जैन जी मेरा सवाल सुनिए, मेरा सवाल आप ही से है। अब मेरा सवाल ये है कि ये कहा जा रहा है कि चुनाव से पहले इस फिल्म को ला करके कहीं ना कहीं भाजपा अपनी साख बचाने की कोशिश कर रही है, अपनी सरकार बनाने की कोशिश कर रही है इस फिल्म के जरिए। जब फिल्मों से सरकारें बनने लगे तब तो हर एक पार्टी अपनी अपनी फिल्म जारी कर दे, जो डायरेक्टर्स है उनसे मिलकर चालू कर दे।
जब ओ माय गॉड फिल्म आई थी तो किसको लाभ मिल रहा था, जोधा अकबर फिल्म आई थी किस पार्टी की सरकार को उससे फायदा मिल रहा था, और जो लोग इनकाउंटर पे सवाल खड़ा करते हैं उसमें जाति और धर्म ढूंढ करके लाते हैं, जब असद का इनकाउंटर हुआ तब तो भारत देश के अंदर भाईचारा खतरे में आ गया था, संविधान खतरे में आ गया था, इनकाउंटर गलत था, और उसके बाद दुजाना का इनकाउंटर हुआ, राणा का इनकाउंटर हुआ। अरे भैया हमारी बहन बेटियों पे भी तो बोल दो जो जनता मंत्र में धरना दे रही है, कोई टिप्पणी नहीं है, बात तो बोलो साहब, ना कांग्रेस का कोई चुटाया, उसी जिले के गोंडा के रहने वाले ब्रजभूषण जी उनके बारे में तो दो शब्द बोल दो। इनकाउंटर पे उमेश पाल हत्याकांड के 50 दिन बाद तक जो फरार रहा। सर आप लोग मुद्दे से पूरा पूरा भटक रहे हैं, मेरा मुद्दा क्या है, आप उमेश पाल और अतीक अशरफ पहुंच रहे हैं, ठीक है केसी जैन जी, मेरा मुद्दा क्या है और आप पूरा मुद्दे से भटक रहे हैं, ठीक है मैं वापस आपके पास आऊंगी। रविंद्र प्रताप सिंह, क्या आपने द कर्नाटक स्टोरी का ट्रेलर देखा? ठीक है केसी जैन जी, मैं वापस आऊंगी, आप मुद्दे से भटकने का काम कर रहे हैं, पूरा मुद्दे से भटक रहे, ठीक है। रविंद्र प्रताप जी, क्या आपने द केरला स्टोरी का ट्रेलर देखा है? ट्रेलर देखा। आपको ट्रेलर में सबसे बुरा क्या लगा? देखिए ये देश सेक्युलर देश है, धन्यवाद, किसी धर्म पे आक्रमण करके, वो धर्म गलत भी हो सकता है, उसके लिए माननीय कोर्ट और पुलिस बनी हुई है, आपको वहां जाना चाहिए, आपको इस प्रकार से मनमाने ढंग से रिलीज नहीं कर देना चाहिए। अब उस पर टिप्पणी इसलिए आगे नहीं है क्योंकि माननीय हाई कोर्ट ने परमिशन दे दिया है। विषय जो आता है कि 22,000 हमारी लड़कियां गायब हो गई, 32 धनमांतरित हो गई, 32,000 और जाके सीरिया चली गई, तो एक जो डायरेक्टर स्तर का आदमी है उसको ये बात मालूम है, लेकिन प्रधानमंत्री स्तर के आदमी को मालूम नहीं है, अजीत डोभाल जी को मालूम नहीं है, यह दुख का विषय है। और इसको बताने के लिए आपको खुश होना चाहिए कि इस फिल्म के जरिए उन तक ये बात पहुंच रही है, तब तो फिर आपको खुश होना चाहिए इस बात को लेकर के कि चलिए अगर जो आंकड़े आज तक सामने नहीं आए वो इस फिल्म के जरिए आ रहे हैं। सुन लीजिए मेरी बात को, आप अगर आप दुखी हो कर सकती है, एक डायरेक्टर जान लेगा लेकिन रॉ नहीं जानेगी, मिलिट्री इंटेलिजेंस नहीं जाएगी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नहीं जानेगा, यह भारत के लिए पूरे विश्व में शर्म की बात है, और इसको इसको डायरेक्टर को गिरफ्तार करके से पूछताछ करनी चाहिए कि तुम जब जानते थे कि 22,000 लड़कियां धर्मांतरित हो गए, ISIS में चली गई, तुमने हमें क्यों नहीं सूचित किया? क्योंकि अपराध की सूचना नहीं देना अपने में गंभीर अपराध है, एक गंभीर अपराध घटित हुआ, और ये जो सुदीप्त सेन है इसने भारत सरकार को नहीं बताया और पिक्चर बनाया। जी, अगर ऐसा कुछ होना होता तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आपसे पहले ही आदेश दे चुका होता, लेकिन फिर मैं वही आपसे पूछूंगी, आपको तो फिर खुश होना चाहिए रविंद्र जी, फिर तो आपको खुश होना चाहिए, चलिए हमारा रॉ फेल है, हमारी सरकार फेल है, हमारी पुलिस फेल है, तो अब हो सकता है इस मूवी के जरिए आंखें खुल जाए। पहली बात समझ लीजिए, एक बात समझिए, पिक्चर होती है, अभी एक कोई कश्मीरी फाइल पिक्चर आई थी, मुझे ज्यादा मालूम नहीं, ये सुना है कि वो फ्लॉप हो गई, उसको देखने वाला कोई नहीं है। अब दूसरी बात आती है जो फिल्म में रेस किया गया है, रविंद्र जी हम सुनी सुनाई बातों पर भरोसा नहीं करते, तो फिर आपका तो मुद्दा ही यहाँ पे मैं खत्म कर देती हूँ, क्योंकि मैं सुनी सुनाई बातों पे नहीं आती, मैं हमेशा आंकड़े लेकर बैठती हूँ और आंकड़ों के आधार पर बात करती हूँ, तो सुनी सुनाई बातों पर तो मैं आऊंगी नहीं, ठीक है मैं सीधा आमिर साबरी जी के पास जाती हूँ। आमिर साबरी जी, फिल्मों को ये कहा जाता है कि वो समाज को आईना दिखाने का काम करती है या समाज में जो चल रहा है वो दिखाने का काम करती है, अब अगर हम इस मूवी की बात करें तो ये भी कहीं ना कहीं सच्चाई दिखाने का काम कर रही थी, तो फिर आखिर इस मूवी में इतना विरोध क्यों? क्या आंकड़े इतने जरूरी हो चुके हैं हमारे लिए? फिल्म, आपने एक बात बहुत अच्छी कही कि फिल्म आईना होती है, फिल्म जो है आईने के मानिंद काम करती है, लेकिन अगर सच्चाई दिखाए तब, लेकिन जिस तरीके से ये मूवी बनाई गई है, अगर सच्चाई हमारे प्रधानमंत्री जी को मालूम हो गई तो उसके खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए, फिल्म का क्या मतलब है? और जो रविंद्र जी कह रहे थे, रविंद्र जी की एक बात से तो हम सहमत हैं कि जो डायरेक्टर ने फिल्म बनाई, जब उसको मालूम था कि इतनी 32,000 लड़कियां सीरिया जा चुकी हैं, धर्मांतरण हो चुका है, तो इसके खिलाफ इसने बताया नहीं सरकार को, तो इनके खिलाफ तो आपराधिक मुकदमा बनता है, इनके खिलाफ तो मुकदमा दर्ज होकर क्योंकि जेल जाना चाहिए। दूसरी बात, मैं आपको एक बात और बताऊं मैडम, सत्यपाल मलिक ने जो कुछ कहा है और जितना इनको कटघरे में खड़ा किया है कि हमने पूरी जानकारी थी, इन्होंने मुझे उपलब्ध हवाई जहाज नहीं कराए, हमारे 40 लोगों की मतलब हत्या हो गई, तो इसके खिलाफ तो मोदी के खिलाफ भी मुकदमा बन रहा है। तीसरी बात हम आपको और बताएं, अभी अभिनंदन जो पाकिस्तान से छोड़ करके आया गया था,
छुड़ाकर हमारे इंटेलिजेंस या हमारी सरकार लाई थी, उसका आपने बयान पढ़ा है। उसने कहा मोदी और इमरान जी की ये सर्जिकल स्ट्राइक फ्रॉड थी, फर्जी थी, ये कह करके मिसाइलें गिराई गई थी। अरे आप देखिए तो ये कहां जा रहे हैं, ये अपनी हर हर नाकामी को छुपाने के लिए। साबरी जी ठीक है, सेना ने अपने साहस का परिचय देते हुए दूसरे बॉर्डर पर वो घुस रही है और आप कह रहे हैं कि ये पूरी तरीके से फ्रॉड है। अरे हम थोड़ी कह रहे हैं, ये तो अभिनंदन ने कहा है, उसका बयान आया है, आप अखबार पढ़िए। लेकिन इन्हीं सब चीजों को छुपाने के लिए हिंदू मुस्लिम की बात की जाती है। ये फिल्म के माध्यम से जो एक चर्चा चल रही है हमारी, अभी आप 3 दिन पहले एक संगी पकड़ा गया है जासूसी करते पाकिस्तान का, उसके ऊपर किसी चैनल में कोई डिबेट नहीं हुई। कितने अफसोसनाक बात है, अभी कोई धोखे जब नाम मुस्लिम का होता कहीं पर तो सारे चैनल नागिन डांस कर सर, मीडिया को ना संविधान का चौथा स्तंभ कहते हैं। हमने हर एक एक खबर पूरी सटीक जानकारी के साथ दिखाई है, हर एक एक खबर। तो आप ये मत बोलिए कि मीडिया खबरें नहीं दिखाती है। और अब मैं फिर ठीक है, फिर तो आपको द कश्मीर फाइल से भी दिक्कत होगी, ठीक है साबरी साहब, फिर तो आपको द कश्मीर फाइल से भी दिक्कत होगी। सामने आने के बाद क्या किया इन्होंने सरकार ने, ये फिल्म का मतलब सच्चाई नहीं है। फिल्म में तो तमाम मुस्लिम 1990 के बाद से आतंकवादी दिखाए गए हैं। साबरी साहब फिर तो आपको द कश्मीर फाइल से भी दिक्कत होगी। गवर्नर किसका था, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने हुए थे, क्या बात आप कर रही मैम, आप हर इनका काम, हर इनका फ्रॉड साबित हो रहा है। देखिए साबरी साहब, आप ऊंची आवाज में बात करके सच को दबा नहीं सकते। क्या महिला ठीक है साबरी साहब, क्या महिला को ठीक है साबरी साहब, महिला को बीच 10 लोगों के बीच में काट देना, हमने साबरी साहब आप मेरी बात सुन लीजिए पहले, द कश्मीर फाइल्स के भी विरोध में है, महिलाओं को काट देना वो सही था। किसने कहा सही, लाइन लगा करके गोली लोगों को, आम नागरिकों को गोलियों से भून देना वो सही था। तो जब अगर कश्मीर फाइल्स में सच्चाई दिखाई गई है तो फिर इसके खिलाफ इतना प्रॉब्लम क्यों? तमाम संघी सुन लीजिए, मैं हमारी सुन लीजिए, तमाम संघियों ने बलात्कारी फेवर में जुलूस निकाले, तमाम संघियों ने, हिंदू फ्रंटल संगठनों ने सुबोध कान के जो इस पट्टर मारा गया था उसके हत्यारे का स्वागत किया, उसके फेवर में जुलूस निकाले। कभी किसी मुसलमान ने किसी बलात्कार देखिए मुस्कान जी, इस तरह की फिल्म अगर बन रही है तो ये समाज के लिए कहीं ना कहीं आने वाले समय में पोलराइजेशन का एक मुद्दा के तौर पर रहेगी। लेकिन अगर हाईकोर्ट ने इस फिल्म को आदेश दिया है जिस तरह से 10 सीन काटने के बाद में, तो मैं समझता हूँ कि इस तरह की प्रायोजित पिक्चरें सरकार के द्वारा नहीं बनाई जानी चाहिए। क्योंकि अगर वो 3 लड़कियों का जो हम जहां तक मुझे संज्ञान है कि अगर मामला था तो जहां की सरकार थी उस पर कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन इसमें 32,000 लड़कियों को दिखा करके ये दिखाया गया है कि सीरिया जा करके वहां पे उनको आतंकवादी बनाया गया। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह की चीजें अगर सामने है सरकार को, सरकार के, तो उस पे एनआईए की जांच भी जरूर कराई जानी चाहिए। सचिन जी, ये फिर पूर्व सरकार के साथ साथ ये कहीं ना कहीं मौजूदा सरकार का भी बड़ा फेलियर माना जाना चाहिए, क्योंकि मुद्दा काफी है। मैं धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपने देखा कि किस तरीके से इस जो मूवी को लेकर के लगातार विवाद गहराता जा रहा है, वही द कश्मीर फाइल्स को भी लगातार गलत बताया गया। तो क्या वाकई में आम नागरिकों को लाइन में खड़े करके मार देना ये सही है? क्या द केरला स्टोरी के ट्रेलर में लड़कियों की कहानी दिखाना ये सही है? अगर ये सब सही है तो आखिर समाज की सच्चाई हम कैसे सामने लाएं? सवाल बड़ा ये है कि आखिर इस मूवी को लेकर जो विवाद हो रहा है, कहीं ना कहीं ये एक सच्चाई पर आधारित मूवी है। आंकड़े भले ही गलत हो सकते हैं, लेकिन क्या उन महिलाओं का दर्द बड़ा नहीं है? चाहे वो एक ही महिला क्यों ना सीरिया पहुंची हो, या 3 महिला या 4 महिला, या यूं कहे कि 32,000 के आंकड़े, भले ही थोड़ा हेर फेर हो सकता है इन आंकड़ों में, लेकिन उन महिलाओं का दर्द बड़ा है जिस पर सबको बात करनी चाहिए। अब ये तो मैं हमारे दर्शकों पर छोड़ती हूँ कि इस मूवी को लेकर उनकी क्या प्रतिक्रिया है, ये तो वो मूवी देखने जाए और खुद ही अंदाजा लगाए। हमारी आज की इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।